हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गजराज, इन यू वॉचिंग नरुका व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपने आमेर फोर्ट के पार्ट फर्स्ट में देखा कि मैंने आपको आज तक का जो टूर है वो ने आपको पार्ट फर्स्ट में करवा दिया था, उसकी आगे की जो कहानी वो इस वाले पार्ट में अपन देखेंगे। तो गाइस, अगर आपने आमेर फोर्ट का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा हो तो आप एक बार जाके वो देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लस आप आई बटन पर जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप वो आप देखेंगे तभी आपको ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आमेर फोर्ट का। तो गाइस, अपन पहुंच चुके हैं सुहाग मंदिर। आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ये सुहाग मंदिर है, स्पेशली रानियों के लिए बनाया गया था। और इसके जो बैक साइड में आप देख रहे हो ये पूरा शीश महल का, आपको यहाँ से पूरा मतलब व्यूज, शीश महल का जो व्यूज पूरा दिख जाएगा। इधर ये सुख मंदिर है, बीच में आपको चार बाग दिख रहा है, अपन शीश महल के जो छत पे वहीं खड़े हैं देखा जाए तो पूरा आपको शीश महल यहाँ से दिख ही रहा है। और गाइस, ये जो आपको सामने जस्ट ऊपर जो टॉप पे आपको दिख रहा है वो जयगढ़ फोर्ट है, उसकी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी मैं डाला हुआ, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो भी आप एक बार देख लेना। तो गाइस, अपन ने सुहाग मंदिर भी अपने देख लिया, अपन ने शीश महल देख लिया, सुख मंदिर का अपन ने पूरा टूर कर लिया। तो आगे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि ये जो सुहाग मंदिर है यहाँ पे जो रानियाँ रहा करती थी वो जो झरोके बने हुए, जैसे आपको देखना है तो इस साइड झरोके बने हैं, इससे मतलब बाहर जो भी व्यूज है वो रानियाँ देखा करती थी, स्पेशली झरोके रानियों के लिए बनाए गए थे। आपको देख रहे होंगे साइड में से पूरा व्यूज आपको दिख रहा सामने, यहाँ से मतलब जैसे दीवाने आम में कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो तो रानियाँ इसी झरोकों से देखा करती थी, क्योंकि अलाउड नहीं था उनका आगे बिल्कुल बैक में जाना। तो गाइस, अपन आ चुके हैं शानदार सी छतरी में, आपको दिख रहा होगा। तो गाइस, यहाँ पे मतलब जो मेन जो राजा की जो रानियाँ वगैरह प्रिंस वगैरह हुआ करते हो यहीं से मतलब पूरा व्यूज दिखा करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा आमेर सिटी का आपको व्यूज दिखा देता हूँ मैं। ये आपको जो दिख रहा है ये मावटा तालाब है, इधर अपन देखते हैं बोले ये भी मावटा तालाब, यहाँ से आपको पूरा व्यूज दिखता है। बाकी इस साइड जो आप देख रहे हो यहाँ से पूरा जो आमेर शहर उसका पूरा शानदार सा व्यूज दिखाई दे रहा होगा आपको। तो गाइस, ये जो शीश महल है उससे अपन आगे चलते हैं तो मानसिंह महल दिख रहा है आपको, मानसिंह पैलेस में अपन चलते हैं, आगे देखते हैं मानसिंह पैलेस कैसा क्या बना हुआ है। इसमें भी वो इस सेम वैसे लंबी सी सुरंग सी बनी हुई है, तो गाइस लेके चलता हूँ मानसिंह पैलेस में। तो भाई, अपन पहुंच चुके हैं मानसिंह पैलेस में। ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रही हो यही है मानसिंह पैलेस। ये जो मानसिंह पहले से राजा मानसिंह ने सन 1589 में बनाया था, इसे बनाने में लगभग 25 साल लगे थे, प्रारंभ इसे ही संपूर्ण महल के रूप में बनाया गया था। यानी कि जो पुराना जो महल था आमेर महल का, ये पूरा महल ही पुराना था, इससे आगे जो बना वो बाद में बनाया गया, लगभग जो मानसिंह जी थे उन्होंने जो ये यही महल मतलब आमेर का जो महल था मेन यही महल था। भाई आप जो देख रहे हैं पूरा चौक यही मतलब मान महल है, ये चौक है, इस चौक के बीच में जो आपको देख रहे हैं शानदार सी है बारादरी बनी हुई है बिल्कुल बीच में है। तो आइए करते हैं इस मानसिंह पैलेस का भी टूर, करवाते हैं आपको। यह है पुराना आमेर का किला, सबसे पहले इसी को बनाया गया था। तो गाइस, मानसिंह पैलेस उसमें सबसे पहले अपन पहुंचते हैं जनानी डोडी यानी कि लेडीज अपार्टमेंट। महल के इस भाग में राज परिवार के महलों का निवास था, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें राज परिवार की महिलाएं रहती थी। तो भाई जाइए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ जनानी डोडी। ये जो आप देख रहे हैं यही है जनानी डोडी, यानी कि लेडीज अपार्टमेंट, जो रानियाँ वगैरह रहा करती थी, रानियाँ और रानियाँ की जो दासियाँ वगैरह रहा करती थी वो सब। ये मतलब ये पूरा जो एरिया है इसको आप लेडीज़ एरिया बोल सकते, लेडीज़ जो रहती थी यहीं रहती थी, कोई रानियाँ थी दासियाँ वगैरह रहा करते थे वो सारी इसी महल में रहा करती थी यहीं पर। इसमें काफ़ी अच्छे छोटे छोटे से आप देख रहे हैं अपार्टमेंट बने हुए हैं, काफ़ी शानदार है छोटे से आपको देख रहे हैं, मतलब इसी में जैसे अगर रानी की जो दासियाँ करती वही रहती थी, उनकी नौकरानियाँ करती थी सारी, और रानियाँ सब यहीं पे इसी
जननी डोड़ी में रहा करते थे। तो भाई आगे चलते हैं, जननी डोड़ी आपको दिखाई थी मैंने, आगे और भी चलते हैं क्या क्या है इसमें। लो भाई अपन तो वापिस आ गए वहीं पे बादरी में, देख रहे हो छोटे छोटे एक झरोखे टाइप के बने हुए, जैसे एक आप बने पीछे एक वो बना हुआ वही मतलब रानियों के लिए बनी है, तो रानियाँ वहीं से बैठती थी और वहीं से देखा करती थी। इसमें जो भी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह हुआ करते थे, ये मतलब इसका जो मेन आपको ये चौक दिख रहा है यही है मेन चौक, जो पुराना आमेर था उसका यही मेन चौक है। और जो आपने पहले देखा था वो किला जो पहले मतलब जो आपको दिखाया था मैंने, दीवाने आम दीवाने खास, वो सारी चीज़ें बाद में बनी हुई है, जो पुराना वाला जो आमेर है उसके अलावा वो ये। तो गाइस एक और यहाँ पे चीज़ है जो मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा अपन जहाँ जिसमें खड़े हैं एक वाटर स्टोरेज मतलब वाटर टैंक है, इसके नीचे जो है पानी को स्टोरेज किया जाता था। जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हो आमेर महल में मेन जो तीन मतलब वाटर स्टोरेज थे, एक जलेब चौक में जहाँ पे थे अपन उसके नीचे खड़े, वो पूरा वाटर स्टोरेज था, उसके बाद में दीवाने आम में था, और एक तीसरा ये मानसिंह जो महल है इसके अंदर जहाँ पे अपन खड़े हैं आपको दिख रहा है ये नीचे, ये पूरा वाटर टैंक था, मतलब जो बारिश का जो पानी आता था उसको इसी में सेव किया जाता था वाटर टैंक में, उसके बाद सब यूज करते थे इस पानी को। तो भाई चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर से कैसा यूज है। काफ़ी छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे, तो भाई अपन पहुँच चुके हैं मानसिंह पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे, और आप देख रहे हो यहाँ से पूरा नज़ारा काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता है, यहाँ से आपको पूरा मानसिंह पैलेस दिख जाएगा। तो भाई ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल लंबी सी पतली सी दीवार है, ये कहते हैं मानसिंह थे, तो जैसे मान लो भाई युद्ध पे गए वो तो 5-5 महीने बाहर बाहर करते थे, तो जब वो वापिस आते थे तो किस रानी के पास हो जाए ये मतलब ये तय करने के लिए, जो ये जो आपको दिख रही पूरी सुरंग से दिख रही है उधर दिख रही है, इन सुरंगों में मतलब लुक्का छुपी खेलते थे राजा और रानी, मिलकर लुक्का छुपी खेलते थे, जो रानी राजा को पहले पकड़ लेती थी वही मतलब उसी रानी के पास राजा पहले जाया करता था। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हैं ये सब बनाने का, कुछ ना कुछ तो करना होता है। आप देख रहे हो काफ़ी लंबी मतलब काफ़ी लंबी है यार, इधर भी आप देख लो ये बना हुआ है, राजा इन कहीं भी छुप जाता था और जिस रानी ने पहले राजा को पकड़ लिया बस राजा उसी के पास आ जाए, हल्दी ना खड़का हो राजा बाकी काफ़ी आप देख रहे हो छोटे छोटे से बने हुए यहाँ पे, ये शायद मेरे हिसाब से छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये उनके लिए बने होते, सैनिक सैनिक या जो दास या नौकर हुआ करते थे वो इन छोटे छोटे महलों दिख रहे हैं आपको कमरे रूम टाइप के इनमें रहा करते थे। कहीं आ गए तो बंद है यार, ये कहाँ आ गए बंद मतलब वो लास्ट में आ गए घूमते घूमते यार। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि शायद मेरे को लग रहा है जब अपना ट्यूर पूरा हो चुका है लास्ट में आ गए, आगे कुछ है दिखाने के लिए, फिर भी और चलता हूँ मैं, कहीं कुछ दिक्कत हो आपको और दिखाऊंगा। और जो मानसिंह पैलेस सेकंड फ्लोर है वहाँ से आपको बहुत ही शानदार एक नंबर व्यू दिखता है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यार, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है जयगढ़ फोर्ट, उसकी खासियत है उसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ में रखी हुई है। तो भाई एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आमेर फोर्ट है, ये आमेर फोर्ट है ये देख रहे हो आप, ये देखो मेरे पीछे ये आमेर फोर्ट है और वो जयगढ़ फोर्ट है, कहते हैं कि दोनों के बीच में एक सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग को हालांकि अभी बंद कर दिया गया है पूरी तरह, पहले वो ओपन थी तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का आमेर फोर्ट का टूर, अगर अच्छा लगा हो तो फिर देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा, कुछ मेरे लिए टिप्स हो तो वो भी मेरे को जरूर बताएं। तो गाइस यहीं पे अपना आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, हो सके तो उसको दो पार्ट में मैं डालूंगा, और ज़्यादा लंबा होगा तो मुझे पता आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं वीडियो देखता हूँ 1-2 मिनट ही आप देखते हो, इसलिए लंबे ब्लॉग बनाते नहीं हूँ। तो गाइस अगर बात करें कि आप आमेर महल कैसे पहुँचे, तो आपको बता दूं कि जो आमेर महल है वो जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 20-25 किलोमीटर का समथिंग पड़ता है, तो आप जयपुर एयरपोर्ट से कैब लेके यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो रेलवे स्टेशन से लगभग आमेर महल जो है वो 10-15 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, और बाई बस आते हो तो वो आपको पूरे यहाँ आमेर तक पहुँचा देगी।
भाई जैसे ही आप रास्ते से आमेर महल का टूर करके वापस आप आते हो या फिर जाते टाइम आप एक बार यहाँ पे विजिट कर लीजिए। जल महल जो है ये मानसागर लेक उसके जस्ट बीचों बीच में ये जल महल बना हुआ है। और ये जो जल महल है और दो मंजिल आपको सामने दिखी रही है वो हमेशा मतलब पानी के ऊपर ही रहती है, जो बाकी तीन मंजिल हमेशा पानी में डूबी रहती है। वैसे आपको बता दूँ कि जो जल महल इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बाहर से आपको पूरा व्यू में दिखा देता हूँ थोड़ा और अंदर जाके। ये देखिए दिख रहा है आपको बिल्कुल सामने ये मानसागर लेक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये स्थित है। अगर आप आमेर फोर्ट अगर विजिट करो तो आप यहाँ पे आप आ सकते हो। और इस साइड आप देख रहे हो पूरा आपको पहाड़ जो है, इस साइड आमेर महल है, और ये जो आप देख रहे हो पूरा इधर जयपुर सिटी है सब। तो गाइस ये भी आप विजिट कर सकते हो अगर यहाँ पे आओ तो, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप एक बार जरूर आए।